हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव क्लास। इसमें हम आपके जुलाई में होने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे पर चैप्टर, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर। आज चैप्टर वन कराऊंगा मैं, इसके बाद टू और थ्री। तो एक चैप्टर में जितने अधिकतम ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं बेस्ट से बेस्ट उतने मैं आपको कराऊंगा, और विद इन 10 to 12 days आपका सिलेबस ये पूरा हो जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिले। उसके बाद हम और ज़्यादा इलेबोरेटिव तरीके से और डिटेल में जाके भी आपको पढ़ाएंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ये महसूस कर सको कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं CMAED का चैप्टर वन। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम क्वेरी का सॉल्यूशन देंगे, आपको जवाब भी देंगे। इसके अलावा वैसे तो मैं वीडियो में ही सॉल्यूशन बताता चल रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं इसी कारण जब कोई नया वीडियो आता है तो आपको उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और आपको पता नहीं चलता है। हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे DSS डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का भी एक वीडियो मैंने डाल दिया है, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और अब रेगुलर डे बाय डे हम इसके ऑब्जेक्टिव वीडियोज लाते रहेंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का चैप्टर वन के ऑब्जेक्टिव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। निर्माण उद्योग का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? जब भी निर्माण उद्योग के वर्गीकरण की बात आए तो आप याद कर लीजिए, लघु निर्माण, भारी निर्माण और औद्योगिक निर्माण, इन तीनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, तीनों ही वर्गीकरण सही हैं। तो जब तीनों ही सही होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर क्या सही होगा? ऑल ऑफ द एबव। निर्माण उद्योग का वर्गीकरण तीनों आधार पर होता है तो आंसर हुआ आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पर। किसी निर्माण परियोजना के प्रमुख कितने चरण होते हैं? निर्माण परियोजना के जो प्रमुख चरण होते हैं वो होते हैं तीन। ठीक है, परिकल्पना, डिज़ाइन और रियलाइजेशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर, इंग्लिश में अगर इसको कहें तो कंसेप्शन, डिज़ाइन और रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये होते हैं तीन चरण किसी भी परियोजना के प्रमुख चरण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3B। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी निर्माण परियोजना में विस्तृत एस्टीमेट किस चरण में बनाया जाता है? तो किसी भी निर्माण परियोजना में विस्तृत एस्टीमेट हमेशा बनाया जाता है अभिकल्पन काल में। ठीक है, जब हम उसका अभिकल्पन कर रहे होते हैं, जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हम उसका विस्तृत बनाते हैं, और परिकल्पना में हम अनुमानित बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है वो हम बनाते हैं परिकल्पना में, और जब विस्तृत एस्टीमेट की बात आएगी तो बनाएंगे हम अभिकल्पन में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिकल्पन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्माण उद्योग में 5M का नियम किस लिए प्रयोग होता है? निर्माण उद्योग में 5M का नियम प्रयोग होता है आवश्यक संसाधनों के लिए। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आवश्यक संसाधन कौन कौन से होते हैं। ये M से 5 आवश्यक संसाधन हैं जिनको एक ट्रिक दे के बताया गया है कि 5M का नियम यूज़ होता है जबकि जिससे आप आवश्यक संसाधन जुटाते हैं किसी परियोजना से पहले। ठीक है, तो निर्माण उद्योग में 5M का नियम किस लिए प्रयोग होता है? आवश्यक संसाधनों के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5M के तत्व होते हैं जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया, तो 5M के जो तत्व होते हैं 5, वो कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत हद तक एक ही क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक, 5M के तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला है मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन मैनेजमेंट। दूसरा, मैन पावर मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, मशीन मैनेजमेंट, मैन पावर मेसनरी, मटेरियल, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर मोर्टगेज, मशीन मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑप्शंस दिए होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, और मैं आपको इसका सही तरीका बता दूं। देखिए, एम से मतलब क्या है? 5M वो हैं जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग एम से हो रही हो। ठीक, और ऐसे वर्ड्स जो आपके निर्माण प्रबंधन में भी काम करें उसमें आपको देखिए सबसे बेसिक क्या है? मैन पावर, बिना उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। मनी, मनी के बिना कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। मटेरियल के बिना नहीं हो सकता। मशीन के बिना नहीं हो सकता। मैनेजमेंट के बिना नहीं हो सकता। बाकी तीन गलत हैं इसमें। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखें तो आप इसको 5M से याद कर लें कि मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट। ठीक है, मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट, ये 5 मिलाकर आपका बनाते हैं 5M। ठीक, और इस 5M के तत्व ही ये 5 होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लें, नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आगे आपसे पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्माण मंडली के कितने स्तंभ होते हैं?
निर्माण मंडली क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन का जो पूरा एक ग्रुप होता है उस ग्रुप में कितने लोग होते हैं, तो वो ट्रायंगल बनता है। उसमें एक तरफ ओनर होता है, एक तरफ इंजीनियर होता है, एक तरफ ठेकेदार होता है। ठीक है, तो इसके 3 सदस्य होते हैं निर्माण मंडली के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निर्माण कार्य में आने वाली संभावित बाधाएं कौन सी हैं, तो संभावित बाधाएं कौन सी हैं, कुछ भी हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, इंजीनियर का अनुभवहीन होना हो सकता है, ठेकेदार का अनुभवहीन होना हो सकता है, या फिर ओनर का मालिक का अनुभवहीन होना हो सकता है, यंत्रों का अभाव, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस केस में तीनों ही सही हैं। निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं में इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, निर्माण कार्य में बाधा आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्माण प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य, निर्माण प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, परियोजना मितव्ययी हो, ठेकेदार का लाभ सर्वोपरि, निर्माण कार्य में गुणवत्ता मारक नहीं होना, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब आप देखिए निर्माण प्रबंधन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, कि आपकी परियोजना मितव्ययी हो, सस्ती से सस्ती हो, तभी तो अच्छी होगी परियोजना। अगर महंगी कर देंगे तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट, ठेकेदार का लाभ सर्वोपरि, ये गलत है। गुणवत्ता का मानक नहीं होना, ये भी गलत है। और नन ऑफ द अबव तो हो ही सकता है, क्योंकि एक तो कम से कम सही है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कि परियोजना का मितव्ययी होना। निर्माण प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य में परियोजना का मितव्ययी होना आपका प्रमुख उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परियोजना को उपलब्ध संसाधन द्वारा न्यूनतम व्यय निर्धारित अवधि के अंदर संतोषजनक ढंग से पूर्ण करना कहलाता है। प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा सवाल है, सवाल से अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आंसर हमें इसी से मिल जाएगा, कि उपलब्ध संसाधन द्वारा न्यूनतम व्यय निर्धारित अवधि के अंदर संतोषजनक ढंग से पूर्ण करना क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, निर्माण प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन की तो बात हम कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही होता है, जो आप न्यूनतम व्यय में और निर्धारित अवधि के अंदर काम को पूरा कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, ये सारे ऑप्शन आंसर्स आप कॉपी में नोट कर लें, ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मैंने बहुत ढूंढ के बनाए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको बाद में बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही जगह से सारा डाटा उठा के एक बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीपीएम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब सीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीएम सीएमईडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीपीएम और पीईआरटी। मैं आगे इसको बताऊंगा अगले चैप्टर्स में, अभी इसकी फुल फॉर्म देख लें। तो देखिए, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, क्रिटिकल पार्ट मैनेजमेंट, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, क्रिटिकल पोर्शन मैनेजमेंट, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ये होता है सीपीएम की फुल फॉर्म। ठीक, आगे चलते हैं। निर्माण आयोजन के प्रमुख आधार होते हैं, निर्माण आयोजन के प्रमुख आधार क्या होते हैं, निर्माण आयोजन के प्रमुख आधार होते हैं सामग्री, श्रमिक, वित्त, ऑल ऑफ द अबव। तो निर्माण आयोजन के सारे प्रमुख आधार होते हैं, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बिना इसके आप निर्माण आयोजन नहीं कर सकते। अगर सामग्री नहीं होगी तब भी निर्माण आयोजन नहीं कर सकते, श्रमिक नहीं होगी तब भी नहीं कर सकते, वित्त नहीं होगा तब भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को डाल के अगर पूछा होता तो आप उस एक के ऊपर टिक लगा देते। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अच्छे प्रबंधक के दायित्व होते हैं, एक अच्छे मैनेजमेंट के, एक अच्छे डायरेक्ट करने वाले के क्या दायित्व होते हैं, उसके दायित्व होते हैं कि वो प्लानिंग करे, ठीक है, कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेशन करे। इसका मतलब, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा डायरेक्टर क्या कर सकता है, वो ये तीनों काम कर सकता है, तभी वो एक अच्छा डायरेक्टर कहलाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों में से कोई एक भी आपको मिल जाए तो आप इसको याद रखें। ठीक है, विभिन्न निर्माण संक्रियाओं के लिए तर्कसंगत व मितव्ययी व्यवहारिक क्रम कहलाता है, विभिन्न निर्माण संक्रियाओं के लिए तर्कसंगत मितव्ययी क्रम क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट नहीं होता, कंस्ट्रक्शन कंट्रोल नहीं होता, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप इसको एज अ डेफिनेशन बस याद कर लें, इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की, कि विभिन्न निर्माण संक्रियाओं को तर्कसंगत व मितव्ययी व्यवहारिक क्रम से करवाने की क्रिया को ही कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धरोहर राशि का उल्लेख किस में होता है, देखिए धरोहर राशि किसी टेंडर को भरते समय दी जाती है, ताकि इन केस वो टेंडर जब ले लिया जाए तो वो धरोहर राशि जो टेंडर निकालता है उसके पास सेफ रहती है। ठीक है, तो धरोहर राशि क्या होती है, धरोहर राशि के लिए धरोहर राशि का उल्लेख किस में होता है, धरोहर राशि का उल्लेख प्री टेंडर में होता है, पोस्ट टेंडर में होता है, दोनों में होता है, किसी में नहीं होता। देखिए, धरोहर राशि हमेशा टेंडर लगने से पहले दी जाती है, इसलिए धरोहर राशि का उल्लेख हमेशा प्री टेंडर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठेकेदार को टेंडर का आवंटन कब होता है, ये आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे।
टेंडर का आवंटन तब होता है तो ये जब टेंडर की दरें कम हो, टेंडर की दरें अधिकतम हो, टेंडर की दरें न्यूनतम हो, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो टेंडर की दरें जब न्यूनतम होती हैं तब टेंडर का आवंटन होता है। जो ठेकेदार पड़ने वाले टेंडरों में सबसे न्यूनतम दरें देता है उसके नाम पर टेंडर का आवंटन हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको ठेका मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल की पूरी जानकारी एवं कार्य की ड्राइंग टेंडर्स के किस चरण में ली जाती है? ठीक, अब एक बात बताइए, आप टेंडर लेने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको जानकारी ही नहीं है, तो आप टेंडर के अमाउंट क्या डालेंगे? आप टेंडर से रिलेटेड जानकारी रखेंगे नहीं, तो आपको काम कराने में इंटरेस्टेड कैसे रहेंगे? तो इसलिए टेंडर से पूर्व यह सारी जानकारी ली जाती है प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग में। ठीक है, जो टेंडर मिलने से पहले की जो प्लानिंग होती है उसमें ड्राइंग और उससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारी होती है वो दे दी जाती है। ठीक है, तो होगा प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परियोजना का लगभग कितना प्रतिशत मजदूरी में व्यय होता है? ठीक है, परियोजना का लगभग कितना प्रतिशत मजदूरी में व्यय होता है? तो इस चीज़ को ध्यान कर लें, परियोजना का लगभग 30% मजदूरी में व्यय होता है। ठीक, तो जो टेंडर डालते हैं वो टेंडर में 30% कॉस्ट इस लेबर की मिला के डालते हैं, क्योंकि 30% कॉस्ट लगभग लग जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट जो होता है उस प्रोजेक्ट का, उसका 30% लेबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्माण कार्य के विभिन्न संक्रियाएं समयबद्ध करने की क्रिया कहलाती है। निर्माण के जितने भी कार्य उनको समयबद्ध करने की क्रिया से मतलब ये है कि देखिए, आप टाइम से उसको अगर कर लेंगे तो वो एक टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और जब टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा तो उस केस में आपको जो आपने जो एस्टिमेट बनाया था वो एस्टिमेट नहीं बिगड़ेगा। अगर टाइम के साथ बढ़ता गया चीज़ों की कीमत बढ़ती जाएगी, और एस्टिमेट की भी जो बनाया था वो धीरे धीरे वो एस्टिमेट जस्टिफाई नहीं करेगा जो करंट के रेट होगा। इसलिए टाइम से पूरा करने की संक्रियाएँ बहुत ज़रूरी हैं, और टाइम से पूरा करने की संक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, शेड्यूलिंग। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निर्माण उद्योग में प्रयोग होने वाले संसाधनों में मुख्य उपस्कर हैं। ठीक है, निर्माण उद्योग में प्रयोग होने मुख्य उपस्कर कौन से होते हैं? 19, मुख्य उपस्कर होता है मनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे होते हैं ये। ठीक, बट इनिशिएट मनी ही करता है। अगर मनी नहीं होगा तो मटेरियल लाके भी आप मटेरियल लाएंगे कैसे? मनी नहीं होगा तो मैन पावर कैसे काम करेगी? अगर मनी नहीं होगा तो मैनेजमेंट कैसे काम करेगा? अगर मनी ना हो तो इसलिए इसमें जो सबसे मुख्य उपस्कर है, जो इनिशिएटिंग टर्म है वो है उसमें मनी, उसके बाद बाकी चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, मनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्माण मंडली के प्रमुख सदस्य होते हैं। निर्माण मंडली मैंने बताया था आपको, एक ट्रायंगल बनता है जिसके प्रमुख सदस्य होते हैं। एक तरफ ओनर होता है, एक तरफ इंजीनियर होता है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, तो निर्माण मंडली के प्रमुख सदस्य कौन से होते हैं? ओनर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, तीनों होते हैं। तो आपका आप ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। ठीक है, आप इनको कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई दिक्कत हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो आंसर्स मैंने सारे यहाँ पे बता दिए हैं, उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप बोलना, मैं आंसर्स PDF बना के डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये होगा CMAET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर के। इसके अलावा मैं आपको क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के भी ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। तो हमारा ये टारगेट है कि हम 30 जून तक आपके ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स के खत्म कर दें, ताकि उसके बाद हम आपके रिवीजन करा सकें। इसके अलावा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ स्टील ड्राइंग के भी आपके नोट्स कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो प्लीज़ उन्हें भी देखें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। और ये वीडियोज़ अब रेगुलर आएंगे, इसलिए प्लीज़ अपने फ़ोन पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, अदरवाइज़ आपको नए मैसेजेस के, नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी क्वेरी आप मैसेज करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।